दिव्य और संजनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं दादाराव बिल्होरे सब्जी और फल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और साथ में गड्ढे भरने का काम भी करता हूँ। इन गड्ढों के वजह से मैंने 28 जुलाई 2015 को अपने प्यारे बेटे प्रकाश को खोया था, क्योंकि इन गड्ढों के कारण प्रकाश की मौत हो गई थी। उसी दरम्यान अंबरनाथ में एक महिला की गड्ढों के कारण मौत हो गई और उसी दरम्यान बांद्रा में भी ऐसा एक हादसा, सड़क पे गड्ढे की वजह से एक महिला की मौत हो गई। एक महीने के अंदर अगर तीन जाने जा रही है और गड्ढे के कारण कुछ कारण नहीं था तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं उस समय बहुत चिंतित था, दुखी था। मैंने निर्णय लिया और गड्ढे भरने का काम चालू किया। आगे मेरे बेटे प्रकाश का कॉलेज में एडमिशन करके आ रहा था घर की तरफ, तो मुंबई में बहुत सारी बारिश हो चुकी होने के कारण रोड पे पानी बह रहा था और इसी दरम्यान प्रकाश और राम मोटरसाइकिल से घर की तरफ आ रहे थे। जेवियरा रोड के जोगेश्वरी विक्लोरी रोड पे उनकी बाइक एक गड्ढे में जाके गिर गई, दोनों जन जख्मी हो गए। इसी के साथ उसने प्रकाश का तो बेहोश हो चुका था और राम जख्मी होने के कारण उठने के बाद उसने कई लोगों से मदद मांगी, बाइक पे जाने वाले सड़कों पे से बोले हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। और जो कुछ रुके हुए थे उन्होंने सिर्फ फोटो ली मोबाइल से और कई अनसंग करके आगे बढ़ गए। लेकिन दूर से कई लोगों ने यह हादसा देखने पर नज़ीक आए, उसमें से एक प्रकाश राम और प्रकाश का दोस्त था, उस व्यक्ति ने उनको ऑटो रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा और साथ में मुझे फ़ोन करके बताया राम और प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत हॉस्पिटल की तरफ आइए। इस दरम्यान मैंने संकोच में हुआ कि उनका एक्सीडेंट किससे हुआ होगा, गाड़ी जोर से चलाई होगी, बहुत सारे घटनाएं ऐसी होती है गाड़ी जोर से चलाने पर गिर जाते हैं। मुझे पता नहीं था कैसा एक्सीडेंट हुआ, कहे क्यों हुआ। जब मैं हॉस्पिटल की तरफ चला गया, मैं राम को देखा जख्मी, वो उसको टीच कर रहे थे और उसको एक रूम में जाके उसका स्टेटमेंट कर रहे थे और प्रकाश का डॉक्टर ने मृत घोषित किया था, क्योंकि उस दरम्यान जब वो गाड़ी से गिरे थे गड्ढे के अंदर तो उसको सर में चोट आई थी और बेहोश के जब डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए थे उस दरम्यान उसका ब्रेन हेमरेज होने के कारण डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। मैंने बेटे प्रकाश का आजू बाजू में उसको सराहना की देखा, मुझे बहुत दुख हुआ था कि ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ जो मेरे बेटे की मौत बन गई। मुझे पता नहीं था गड्ढे के अंदर गिरा था क्या नहीं। फिर मैंने उसको देखा तो उसके बॉडी से कहीं से भी खून नहीं बह रहा था, सर के ऊपर से भी खून नहीं बह रहा था, तो ये जान कैसे चली गई मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने ये बताया इसका अंदर की जो नस होती है सर के अंदर की वो फट गई है और उसके मुंह से कान से और नाक से ये तीनों तरफ से खून बहने के वजह से हम उसको कोई भी स्टेटमेंट नहीं कर सकते और उसको उसके लिए हमें उसे मृत घोषित करना पड़ा। तब मैंने सोचा एक किस तरह से एक्सीडेंट हुआ होगा, गाड़ी किस तरह से गिरी होगी। इस दरमियान जब मैं घर से निकला था तो मिसेस को बोला था आप हॉस्पिटल के तरफ है, मैं आगे जा रहा हूँ। तो मुझे अभी दोनों जन जख्मी थे
और राम को भी बचाना था, क्योंकि दोनों भाई एक ही गाड़ी के ऊपर जा रहे थे और इस हादसे में अगर भाई की मौत होती है तो उस भाई का क्या हाल होता होगा ये आप संकोच नहीं कर सकते। जिस तरह से राम ने अपने भाई को उठाकर और उसके दोस्त ने उठाकर उस ऑटो में डाला था, वो मैं तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस तरह पर उसकी भी बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। उसने कहा, डैडी आप भी ये काम करो, जितने भी अपने घर के पैसे कुछ अपनी जो सामान है लेकिन उसको बचाओ। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया हूँ, कर लेता हूँ। आगे चल के फिर जब भी पोस्टमार्टम का टाइम आया, हमारी मिसेज भी आई, सब हॉस्पिटल की तरफ आ चुके थे। अभी मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था, एक बेटा खोया एक था, तो एक खुशी की गम थी कि एक बच्चा बच गया है और दूसरी एक खुशी थी कि एक चला गया है। तब मैंने से रहा नहीं गया, मैंने औरत को बोला आप घर की तरफ जाइए, मैं देखता हूँ, अपना दूसरा बेटा आईसीयू में है, वो जिंदा है, उसका स्टेटमेंट चालू है, हमें दिखाई नहीं दे बताते नहीं हैं, आप हमें पुलिस स्टेशन की कार्रवाई करनी है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में घड़ी में बहुत आगे आते हैं। हमारे एरिया की बहुत सारी महिलाएं आई थी, उसमें से मैंने पास सिलेक्ट की और मैंने कहा हमारा एक बच्चा खोया है लेकिन हमारे मिसेस को बताना नहीं है, एक दिन के लिए हमें उसको रोकना है। तब उसको समझा कर उन्होंने मिसेस के घर पे ले गए। उसके बाद हमने FIR दर्ज की और आगे सारे पेपर वर्क बनाने के बाद दूसरे दिन जब प्रकाश की अंत्यविधि का समय आया तब हमने उसको डिक्लेयर किया कि अपना प्रकाश रहा नहीं है, अभी आप आगे की तैयारी कीजिए। इस दरमियान सब माहौल हमारा एरिया का बदल चुका था, बहुत सारे लोग दुखी हो चुके थे, साथ में हमारे घर वालों को पता नहीं था कि हमारा बच्चा है या नहीं है। लेकिन जब 6 बजे हमने बताया कि अपनी प्रकाश की अभी बॉडी लाने जा रहे हैं, आप सब तैयारी रखना, मिसेस को बताने बाद मिसेस तो समझ नहीं पा रही थी, कल तो बता रहे थे हमारा बच्चा जिंदा है, आज बोल रहे मर गया, लेकिन क्या करें, हमारे दूसरे बच्चे को बचाना था, राम को बचाना था मुझे, इसलिए हमने ये उसको एक दिन का आगे का वक्त ले लिया था। बाद में जब अंतविधि का समय आया तब कम से कम प्रकाश के मित्र 500 से लेकर 600 तक इस विदाई के लिए उसको विदाई के लिए छोड़ने आए थे। साथ में हमारे समाज के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र जो भी थे, कम से कम 10,000 के ऊपर तो ही होंगे, क्योंकि इस समय हमारे एरिया की 1.5 किलोमीटर की रोड लॉक हो गई थी। इन जन सैलाब और इतने सारे दुख की घड़ी में लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मुझसे मेरा जो दुख था वो आधा कम हो चुका था। और इन बच्चों के प्रकाश के जो मित्र थे वो काफी रो रहे थे, पक्या तू वापस आ जा। उन समय ऐसा घटना और ऐसा जो उनका आक्रोश था वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, उनके जो अनमोल आंसू थे वो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। तो उस समय मैंने कहा, मैंने एक बेटा खोया है लेकिन मेरे इतने सारे बच्चे जो रो रहे हैं वही मेरे प्रकाश है। इस तरह से मैं बोला मैं आगे चलकर ऐसा कुछ करूं जो मुझे मेरे प्रकाश की याद तो आते रहेगी लेकिन मेरे साथ भी प्रकाश रहेगा। आज जिस तरह से मैं प्रकाश की अंत्यविदाई हो गई, हमने उसी दिन FIR दर्ज कर दी। उस समय FIR दर्ज होने पर जिस गड्ढे की वजह से मेरे बेटे प्रकाश की मौत हो गई थी उस गड्ढे को BMC ने दूसरे दिन मिटा दिया। उस गड्ढे को मिटाने के बाद आज वो गड्ढा दिखाई नहीं देता, एकदम बराबर है, कई सारी गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ उन गड्ढों से मेरे जो प्रकाश है आज जो जा रहे हैं तो सुरक्षित जा रहे हैं। तो मैंने इसी दरमियान ऐसी ही घटना में अपने दुकान के सामने एक गड्ढा गिरा था, उस गड्ढे को
बाइक गिर रही थी तो मेरे दिमाग में सोचा बीएमसी तो एक गड्ढा भर एक मृत्यु होने के बाद एक गड्ढा भर रही थी, सरकार भी एक गड्ढा भरने के बाद एक गड्ढा भर रही थी, तो क्यों ना मैं इन गड्ढों को भरूं। मैं आगे बढ़ा, मेरे दुकान के सामने का पहला जो गड्ढा था उसको भरने के बाद उसमें मिट्टी और पत्थर डालकर बुझा दिया। उस समय गाड़ियां अच्छे चलने लगी और कोई गिरने का संभव नहीं था, और तब मुझे पता चला कि मैं एक गड्ढे भरने का काम कर सकता हूँ। उस समय जब मैंने आगे बढ़ने की प्रयत्न किया सामान के साथ, तापी घमेला फावड़ा लेकर हमारे फोर व्हीलर के गाड़ी में रेती सीमेंट की जो बोरियाँ थी वो लेकर हम आगे बढ़े। प्रकाश के मित्र साथ में थे, राम के भी मित्र साथ में थे, उन्होंने भी कई गड्ढे बुझाए और मेरे सपोर्ट में आगे आए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, कई लोग सराहना कर रहे थे और कई लोग बुराई भी कर रहे थे। हम जब गड्ढे भरने जा रहे थे तो लोग कहने लगे, आपको क्या जरूरत पड़ी है इन गड्ढे भरने की, आप गड्ढे भरेंगे फिर खोदेंगे, उन लोग आएंगे फिर खोदेंगे फिर आप गड्ढे भरेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा उनकी ज़रूरत तो उनके पास होगी, लेकिन आज मुझे इस ज़रूरत है कि मैं अगर दो दिन में एक गड्ढा भर देता हूँ और दो दिन भी चले, अगर उसके ऊपर 10 गाड़ियाँ भी सुरक्षित जाए तो मेरे लिए मेरा प्रकाश बचा। ऐसा ही मैं सोच के वो गड्ढे भरता था। कई लोग गड्ढे भरते समय कई लोग मोटरसाइकिल जब हम गड्ढे भर रहे थे उस समय हमारे जोर से पास आते थे, बोले आप क्या कर रहे हैं, हटाओ ये सब। मैंने कहा दादा आप तो बड़े अच्छे हो, आपके घर में सब फैमिली है, अगर आप अच्छे से घर पे जाओगे तो ही घर वाले सुरक्षित रहेंगे, ये मैंने अपने बेटे के लिए किया आपके लिए नहीं किया, ये गड्ढा भर दिया आप जा सकते हैं। तो उतर के बोला क्या बात है। मैंने पूछा 1.5 साल पहले इन्हीं गड्ढों के वजह से मैंने अपना बेटा खोया था। तो मैं बोला गड्ढा भरने के बाद अगर मुझे लगता है मैंने अपने प्रकाश को बचा लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो कहने का लगा, अरे सॉरी मुझे मानता नहीं था कि आपका बच्चा इन गड्ढों की वजह से खोया है। उसने माफ़ी मांगी और बोला सर आपने जो काम किया है उसके बदले में कल 10 गड्ढे भर दूंगा। और वो सब तब से मेरे साथ आज जुड़ा हुआ है, और बाहिम बांद्रा में कम से कम 8-10 लोग कम से कम गड्ढे बुझा रहे हैं, तो इस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन संख्या में अभी बहुत कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं। हमने जिस तरह से गड्ढे भरने का काम हाथ में लिया, कई लोगों ने सराहना की, कई लोगों ने थोड़ा सा बुरा भी कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता था, सिर्फ मैं कहता था मेरा प्रकाश बचे तो ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे साथ आने वाले लास्ट ईयर हमने 3 साल बाद प्रकाश का जब पुण्यतिथि का कार्यक्रम था उसके दूसरे दिन हमने मुंबई में अनाउंस किया था कि हम गड्ढे भरने जा रहे हैं, किसको भी आना है तो उनका एड्रेस और वो सब डाला था। उस दिन कम से कम दूसरे दिन 120 लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, एम्पल मिशन अनिल मुरखा जी और सिद्धांत जी इनकी पूरी टीम थी, साथ में खंडावाला कॉलेज के छात्रों ने भी गड्ढे बुझाने का काम किया। इसी के साथ मुंबई के कई लोग भी हमारे इन मिशन में जुड़ चुके थे और एक दिन के अंदर हमने 100 गड्ढे भरे थे। जब इतना सारा एक दिन में हमने 100 गड्ढे बुझाए, लेकिन बीएमसी का दावा था कि हम 1500 गड्ढे भर चुके हैं, अभी 700 गड्ढे हैं। तो नवीन लादे जी आप जानते होंगे उन्होंने 2 महीने के भीतर मुंबई में कितने गड्ढे पड़े हैं ये बताने की कोशिश की।
तो उन्होंने ऑनलाइन मोबाइल व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से कहीं जन से उन्होंने गड्ढे की रोकड़ मांगी। तब पता चला 28,780 खड्डे हमारे मुंबई के अंदर है और वो भी ऑन द स्पॉट वो दिखा सकते थे क्योंकि फोटो भेजे थे सब थे। तो बीएमसी ने उनको बोला, उनको फिर उन्होंने नोटिस भेजा बीएमसी को कि हमने ये देखो ये गिनीज रिकॉर्ड अब हो गया है। तो हमें ये नहीं कहना है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन हमें भी आगे चल के कुछ करना होगा। इनके लिए हमने तो हमें अपने सरकार की या हमें की बुराई नहीं करनी है, क्यों तो अपना सरकार तो काम कर रही है। हम गड्ढे जो बुझाते हैं 3 फीट 2 फीट 4 फीट के, इनमें ही ज़्यादा हादसे होते हैं। तो और एक बात देखी जाती है, आम हमारे भारत में 14,780 मौतें हुई, उस दरमियान कहीं घटनाएं होने के बाद दर्ज हुए थे तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं। तो सरकार ने उसको जवाब दिया था, हम अपना काम अच्छे तरीके कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे काम में गलती होती है। लेकिन हम उन 3 साल में अगर 1500 जाने जाती है तो ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन हम ये समझे, अगर आम आदमी को ही कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ता है वो कैसे। हम रोड पे नो पार्किंग में जाए तो हमें फाइन मिलती है, हेलमेट ना पहनो फाइन मिलती है, हम गाड़ियाँ लाइन कटिंग कर दी फाइन मिल जाती है, लेकिन सरकार को कोई फाइन नहीं मिलती, वो कैसे। क्योंकि सड़क पर खड्डे हुए नो फाइन, स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ नो फाइन, सड़क पर पानी बह रहा हो नो फाइन। मतलब आम आदमी को पनिशमेंट मिलती है लेकिन सरकार को कोई पनिशमेंट नहीं। इसके लिए उनके जो अधिकारी है या जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको फाइन होनी जरूरी है। तो ये सरकार का भी काम है तो हमारा भी काम है कि हम उनको बताएं कि ये आपकी गलती है, हम आगे आएंगे तो ही सरकार अच्छी काम करेगी। आने वाले समय में हमारे साथ गए साल अम्पल मिशन के टीम तो जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी गड्ढे भरे थे, साथ में रेडियो सिटी 91.1 इन्होंने भी अर्चना जी और आरजे सलील जी और विख्यात संगीतकार शंकर महादेवन जी, इन्होंने वाशी के नाके पे 10 अगस्त को गड्ढे भरे थे। अगर वो गड्ढे नहीं भरते तो हमारा आज ये काम चालू नहीं होता। आज देखा होगा जो मुंबई की तरफ जाने वाली रोड की तरफ है MMRDA काम कर रही है, तो ये जब काम, जब सेलिब्रिटी या कोई अच्छा कोई काम करता है ना तो वो जरूर सामने आता है, तब तक उनकी गलतियां दिखती नहीं है। और आज वो काम बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, हम इस तरह से सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम यही चाहेंगे हमारी सड़कें अच्छी बने और हम अपने घर सुरक्षित जाए। ऐसे ही अगर हमारी सड़कें, हम सड़कें सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सुरक्षित तो हमारा भारत सुरक्षित। इस टेडेक्स के मंच पे मुझे 2 शब्द मन की बात बोलने की जो मुझे मन की बात बोलने की इच्छा व्यक्त करने का जो मौका दिया उन सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।